कई लोग इतने स्वीट होते हैं कि डायबिटीज कर देते हैं, लेकिन आज हम उन लोगों की नहीं लेकिन डायबिटीज मेडिकल कंडीशन की बात करने वाले हैं। डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ का रिपोर्ट आप कैसे अपने आप से चेक कर सकते हैं, और डायबिटीज़ के डाइटरी पैटर्न क्या होती है जिससे 45 टू 50 डेज़ के अंदर आपका डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो जाएगा, उसकी आज मैं चर्चा करने वाला हूँ और गाइडलाइन आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज का अगर टॉपिक की शुरुआत करें तो डायबिटीज़ क्या होता है उससे हम चालू करते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे आपकी बॉडी का इंसुलिन नामक हार्मोन अपना काम करना स्लो या बिल्कुल कम कर देता है। अगर वो स्लो कर देता है तो उसे हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे बोलते हैं कई बार मेडिकल लैंग्वेज में इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़, और अगर वो बिल्कुल बंद कर देता है उसे बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जिसका नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है मतलब आपको इंसुलिन नामक हार्मोन्स या तो इंजेक्शन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपको इंसुलिन की ड्रग्स वगैरह या मेडिकेशन पे थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ेगा, बाकी डायटरी पैटर्न से आपकी कंडीशन पूरी रिवर्स हो सकती है। डायबिटीज़ के कॉजेज़ की अगर बात करें तो पहला होता है लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फूड। जैसे कि अगर आप टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते तो बॉडी का इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है वो डिस्टर्ब रहता है, और इससे डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा होता है, बिकॉज ये इंसुलिन की इनसफिशिएंसी ही है डायबिटीज़। दूसरा होता है एक्स्ट्रा शुगर इंटेक इन द फॉर्म ऑफ स्वीट फ्राइड फूड फास्ट फूड। ये हम सबको पता होता है, अगर लंबे समय तक हम इतना खाना खाते हैं जो एक्स्ट्रा शुगर वाला होता है, दैट कैन अल्टीमेटली कॉज अ डायबिटीज़, बिकॉज इंसुलिन नामक हार्मोन जो है वो आपके शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। थर्ड होता है ओबेसिटी। अगर आपका वेट मोर देन 20 kg एक्स्ट्रा है, आप ओवरवेट है, तो भी आपकी बॉडी जो है वो आपका इंसुलिन हार्मोन अच्छी तरीके से फैट ज़्यादा होने की वजह से वर्क नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से डायबिटीज़ होगा। और फोर्थ एट लास्ट विच इज़ बाय बर्थ। कई बार प्रेगनेंसी के अंदर ही जेस्टेशनल डायबिटीज से डायबिटीज़ होते हैं, जिससे बच्चे पैदा होते तब से उनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो जाता है, और पूरी लाइफ उनको इंसुलिन इंजेक्शन पर डिपेंड होना पड़ता है। तो ये चार मेजर कॉजेज है जो मैं प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखता हूँ कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, क्लाइंट आते हैं, उनको इन्हीं रीज़न से डायबिटीज़ होता है। नेक्स्ट दिक्कत जो लोगों को आती है वो है हाउ टू रीड डायबिटीज़ रिपोर्ट। जनरली 3 प्रकार के रिपोर्ट होते हैं। पहला होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, दूसरा होता है रैंडम ब्लड शुगर, और तीसरा होता है पोस्ट पैनक्रियाटिक ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है वो जनरली 10 से 15 घंटे फास्टिंग में मतलब अर्ली मॉर्निंग करवाना पड़ता है। रात को अगर आप 8 बजे फास्टिंग चालू कर दिया तो मॉर्निंग में आप 8 बजे करवा सकते हैं या 10 बजे करवा सकते हैं। जनरली ये रिपोर्ट जो उसमें आपकी जो रेंज है डायबिटिक की वो 70 से 100 mg पर डेसीलीटर के बीच की होनी चाहिए, जो यहाँ पर आप वीडियो में रिपोर्ट में देख सकते हैं। दूसरा होता है आपका रैंडम ब्लड शुगर, जो आप कभी भी करवा सकते हैं। घर पे जो ग्लूकोमीटर नाम का जो मशीन होता है, जहाँ पे आप उंगली में लहू निकालकर आराम से रिपोर्ट कर पाते हैं, कोई भी ये कर पाता है, उसकी रेंज आपकी होनी चाहिए 140 से लेकर 160 mg पर डेसीलीटर्स की। और लास्टली होता है पोस्ट पैनक्रियाटिक ब्लड शुगर, जिसमें आप खाना खाने के 2 घंटे बाद ही रिपोर्ट करवा सकते हैं, जो स्पेसिफिक रेंज में आता है, जैसे कि लेस देन 160 mg पर डेसीलीटर्स। अब कई लोगों को लगता है कि सिर्फ एक रिपोर्ट मैं करवाऊंगा तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको 3 रिपोर्ट करवाने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट द परफेक्ट बेनिफिट और परफेक्ट रिजल्ट ऑफ डायबिटीज़ रिपोर्ट। अगर आपको लैब रिपोर्ट नहीं करवाने तो ये कुछ सिम्टम है जिससे आप डायबिटीज़ है कि नहीं वो जज कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है पोलीयूरिया, मतलब यूरिन में से शुगर का पास होना। यहाँ पे यूरिन में से अगर आपके खराब स्मेल या फॉल्स स्मेल आती है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। दूसरा होता है कोरिलेट करता है नमनेस इन द लेग्स एंड हैंड्स, मतलब लेग्स के अंदर या हैंड्स के अंदर आपको कुछ फील ना होना, अगर ऐसा फ्रीक्वेंटली होता है दिन में 1 या 2 बार तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। थर्ड होता है ब्लैकआउट या लो एनर्जी फील करना। डायबिटीज़ पेशेंट को क्या होता है कि बॉडी में शुगर एक्स्ट्रा होती है लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर पाते। इट्स एग्जैक्टली लाइक ब्लैक मनी, पैसा है लेकिन आप अच्छी तरीके से ऑफिशियली यूज़ नहीं कर पाते, इस तरह से बॉडी उसे समझ नहीं पाती, इसीलिए ब्लैकआउट या लो एनर्जी लगती है शुगर के ज़्यादा होते हुए भी। और लास्ट होता है मसल लॉस और वेट लॉस। अगर आपका 5-6 किलो वेट लॉस या मसल लॉस स्टार्टिंग में हो जाता है 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो समझ लीजिए आपको डायबिटीज़ या थायराइड, ये दोनों में से कोई बीमारी है। और अगर आपको ऊपर के सिम्टम भी है तो मतलब आप समझ लीजिए आपको डायबिटीज़ है। तो ये कॉमन सिम्टम है जो डायबिटीज़ पेशेंट में देखने को मिलते हैं। कई वीडियोज़ में बहुत सारे टिप्स देता हूँ ना, 5-10, लेकिन आज आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, बहुत ही कम चीज़ें फॉलो करनी है, स्पेसिफिक 3 चीज़ें जो आज के वीडियो में है। तो अभी से वीडियो आपका चालू हो रहा है स्पेसिफिक कंडीशन पर। पहली होती है आपकी जीआई इंडेक्स। जीआई इंडेक्स को आपने अगर समझ लिया मतलब आपने डायबिटीज़ को जीत लिया। जीआई इंडेक्स मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स,
कोई भी खाना खाने के बाद अपना ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कितना बढ़ता है उसे हम जीआई इंडेक्स बोलते हैं। और हर फूड का एक स्पेसिफिक जीआई इंडेक्स होता है। ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, लो जीआई इंडेक्स, मॉडरेट जीआई इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब हाई जीआई इंडेक्स। जहाँ पे हाई जीआई इंडेक्स 80 से ज़्यादा होता है, 50 से 70 के या 80 के बीच में होता है मॉडरेट, और लेस देन 50 मतलब आपका होता है लो जीआई इंडेक्स। तो हमें क्या करना है, हाई जीआई इंडेक्स को हटा देना है और मॉडरेट जीआई इंडेक्स एंड लो जीआई इंडेक्स को हमारे पास रखना है ऐसे फूड्स को। तो ऐसे फूड की बनी बनाई कैटेगरी मैं आपके सामने यहाँ पे टेबल में दिखा रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं। आप जब भी खाना खाएं, जब भी आपके डिश प्रिपेयर करें, तो इसी में से कोई फूड होना चाहिए। आज से आप ये लिख लीजिए और आपके घर पर भी ये चार्ट दे दीजिए। सेकेंड टिप है चार एक्सरसाइज। बस चार एक्सरसाइज करने में कितना समय लगता है, वॉकिंग है, पुशअप्स है, पुलअप्स है और स्क्वाट्स है। ये चारों एक्सरसाइज क्या करती है, आपके ब्लड शुगर लेवल को रोज़ कम करने का ट्राई करती है और आपके मसल लेवल को बढ़ाए रखने का काम करती है। तो अगर ये चार एक्सरसाइज अगर आप रोज़ करते हैं ना, तो आपको कभी भी नहीं होगा, इट टेक्स हार्डली 30 मिनट्स टू डू इट। अगर आपको डायबिटीज़ के एक्सरसाइज प्लान के बारे में और जानकारी चाहिए, तो मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रख रहा हूँ, जहाँ पे आपको एक्सरसाइज की पूरी गाइडलाइन दी जाएगी। एंड बस एक आखिरी लास्ट, 4 आवर फास्टिंग विंडो, मतलब बहुत आपको फ्रिक्वेंटली भी नहीं खाना है और बहुत आपको लंबे समय के बाद भी नहीं खाना है, बिकॉज इंसुलिन हार्मोन आर टाइम बेस्ड हार्मोन्स, आप बोल सकते हो इसे। तो बेसिकली आपको हर 4 घंटे पर 1 मील ले लेना है, मतलब आप दिन में 3 से 4 मील लेंगे। जनरली वो होते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक एंड डिनर, ये आपके स्टैंडर्ड मील्स होने चाहिए। अगर आपने एक भी मील स्किप किया तो भी दिक्कत होगी, अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो भी दिक्कत होगी। कम खाने से या स्किप करने से आपको ब्लैकआउट हो सकते हैं, शुगर ड्रॉप हो सकती है, और ज़्यादा अगर खाएंगे तो आपको शुगर बढ़ने के चांसेस है, तो दोनों में दिक्कतें हैं। इसीलिए आप 4 आवर फास्टिंग पीरियड को रख के चलिए, टाइम रख दीजिए, अपने अलार्म रख दीजिए अपने मोबाइल वगैरह में, जहाँ पे 4 घंटे हुए आपको पता चल जाना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट मील का टाइम हो चुका है। तो ये 3 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका डायबिटीज गारंटीड। अगर आपको टाइप 2 है तो टाइप 1 की बात नहीं कर रहा, बिकॉज उसमें तो आपको लाइफ टाइम इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। अगर टाइप 2 है तो रिवर्सेबल होगा 45 to 50 डेज के अंदर। आपको डाइट कैसा लगा, आपको कोई और डाइट के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, तो कमेंट जरूर से करिए। इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, बिकॉज ऐसे वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और घर में भी किसी को अगर है ना, तो ये वीडियो जरूर से शेयर करिए और उनसे भी चालू करवाइए। थैंक यू सो मच। डाइटिशियन गौतम जानी साइनिंग आउट।